के लिए आगे बढ़ेंगे। जो खबर है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में खूनी झड़प की खबर है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आमने सामने हो गए हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है वजीरिस्तान। वजीरिस्तान के मीर अली में भारी गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तान के कई सैनिकों की इसमें मौत भी हो गई है। टीटीपी ने पुलिस चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। ये हालात पिछले कई दिन से बने हुए थे, जहां पर आमना सामना होने की खबर थी और यहां टीटीपी की तरफ से बड़ा नुकसान, जहां पर पुलिस चौकी पर भी कब्जा कर लिया। एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ टीटीपी। मेरे सहयोगी दानिश रिजवी न्यूज रूम से मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव इस खबर को लेकर। दानिश से अपडेट इस खबर को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कैसे वजीरिस्तान के मीर अली में हुई है भारी गोलीबारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे गूंजा है ये इलाका। टीटीपी ने पुलिस चौकी पर भी कब्जा कर लिया और यहां भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में खूनी ये झड़प कही जा रही है, जहां पाकिस्तानी सेना और टीटीपी आमने सामने आ गई है। सेना के एक बड़े काफिले पर हमला किया है। दानिश मेरे साथ में जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव इस खबर को लेकर। दानिश, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के आमने सामने होने की खबर पिछले कई दिन से थी, लेकिन यहां भयंकर टकराव और खूनी झड़प जिसमें हुआ है बड़ा नुकसान। बिल्कुल, पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली के बाजार में पाकिस्तान सेना और टीटीपी के आतंकियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ पिछले कई घंटों से जारी है, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक की कई सैनिकों की मौत हो चुकी है और टीटीपी के कई आतंकी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान तहरीक तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी सेना पर भारी दिख रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रहे हैं, अब तक कई पुलिस चौकियों को सेना की चौकियों पर अब तक उनका कब्जा हो चुका है और लगातार जिस तरीके से 2007 के बाद से लगातार टीटीपी पाकिस्तान सैनिकों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है, वो अब तक उनके लिए सिरदर्द बना है। लगातार वो जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों पर पाकिस्तान के पुलिस वालों को पर हमला करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के की सरकार लगातार उनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक तालिबान की पैठ इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी वजीरिस्तान में कि उन पर लगाम लगाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार हमला जारी है, ये आने वाले वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए पाकिस्तान सेना के लिए एक मुसीबत का और सबब बनने वाला है। लगातार हमला अभी भी जारी है और कई सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई चौकियों पर अब तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। दानिश इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना टीटीपी ये जो खूनी झड़प है, कई सैनिकों की, पाकिस्तान के कई सैनिकों की जान जा चुकी है और बड़ी बात ये है कि ये जो झड़प है ये अभी रुक नहीं रही, जारी है। दानिश रिजवी, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों